हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपीआर स्टूडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं एक विंटेज लुक का ज्वेलरी बॉक्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये सबसे आपका आसानी से और लो बजट में बनने वाला एक ज्वेलरी बॉक्स है। तो बिना देर किए चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा एक बॉक्स, जो मैंने यहाँ पर MDF का बॉक्स लिया है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर अपना कोई घर पे रखा हुआ कोई पुराना ओल्ड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया जैसो अप्लाई। तो इसकी रेसिपी आज मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर दूंगी, जो मैं अपना जैसो घर पर ही बनाती हूँ। तो जैसो को अप्लाई करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने किया अपना एक कोट जैसो अप्लाई। ड्राई होने के बाद मैंने लिया है ये एक हल्का सा ब्राउन शेड, बहुत प्यारा शेड लग रहा था, थोड़ा विंटेज लुक दे रहे हैं तो कलर भी हमें कुछ उसी तरह के लेने हैं। तो मैंने इसके अंदर ये अप्लाई करना स्टार्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत लाइट और ट्रांसपेरेंट कलर है, तो इसको मुझे दो बार करना होगा। जब फर्स्ट ये ड्राई हो जाए तब हम इसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप पूरे पर अपना बेस रेडी करेंगे। तो मैंने उसके साथ का कॉम्बिनेशन ये ब्लू कलर लिया है। तो आप चाहें तो कोई और भी कलर ले सकते हैं, और अंदर के साइड और बॉर्डर पे मैंने सेम कलर किया है। अब ऊपर मैं आपके सामने ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप जब ये कलर अप्लाई करेंगे तो आपके पास आप कोई भी कलर लेते हैं, उसको हम डल करने के लिए हल्का सा ब्राउन शेड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसी से हमारा एक विंटेज लुक आएगा, पुराना होगा वो डल होगा, क्योंकि उसको डल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक विंटेज लुक दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ड्राई ब्रशिंग किया है ब्राउन कलर से। आप देख रहे होंगे कि डल शेड एक येलोपन इसमें आ गया है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्पेस है, यहाँ पर मैंने इस तरह के ये पेपर्स लिए हैं। आप मार्केट से पेपर इजली परचेज कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट में कोई पैकिंग पेपर मिलता है ना, तो अगर वो पुराना है, कुछ ऐसा लुक का है, विंटेज लुक का है, तो आप ज़रूर ले लीजिए। तो इस तरह से मैं ये पेपर, इवन आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का पेपर है तो आप प्रिंट आउट पर भी काम चला सकते हैं। तो मैंने ये इसके साइज़ का कट कर अब मैं लगा रही हूँ फेविकोल, और इसके ऊपर मैं ये पेपर स्टिक कर दूँगी। आप देखेंगे कि मैंने हुक की साइड से इसको कट कर दिया था। तो एक टिश्यू लेंगे और हल्के हाथ से इसको सेट कर देंगे, ताकि अंदर की तरफ कोई क्रीज ना बने और ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए फेविकोल के साथ। तो ये मेरा इस तरह से ये रेडी हो गया है। सेम आप हर एक जो चारों कॉर्नर्स हैं, आप सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप फेविकोल लगाएंगे, ब्रश से उसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप अपना टिश्यू लेंगे, पेपर लेंगे। अगर आपके पास डेकोपैक टिश्यू है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास एक पेपर है। तो मैं ये वापस से डिज़ाइन को मैच करते हुए ये मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। सेम जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी एक टिश्यू पेपर लेंगे, क्लॉथ लेंगे, उसके साथ अच्छे से इसको प्रेस करेंगे, ताकि कोई बबल क्रिएट ना हो। इसी तरह से आप चारों तरफ सेम यही टेक्निक से आप अपना पेपर स्टिक कर देंगे। इस तरह से आप अप्लाई कर अपना ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ब्राउन कलर लेना है, उसमें मैंने हल्का सा वाइट मिक्स कर उसको एक डल शेड में डाइल्यूट कर हर एज पर मैं इस तरह से फिंगर से की हेल्प से एक डल लुक दे दूंगी। ये देना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपका एक एंटिक लुक आने वाला है। अगर आपके पास आप चाहें तो इसमें कॉफ़ी डाइल्यूट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे जब मोल्डेड बचता है तो मैं इस तरह से कुछ बना के रख लेती हूँ। अब उनके ऊपर मैं ब्लैक कलर कर लूँगी। आप इसकी जगह मोल्डेड से फ्लावर बना सकते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहें ना, मोल्डेड से आप कुछ भी क्रिएट करके, छोटे छोटे फ्लावर्स क्रिएट करके भी लगा सकते हैं। इवन आप अपनी पुरानी ज्वेलरी भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर करके गोल्ड डस्ट यूज़ कर रही हूँ थोड़ा रस्टिक लुक देने के लिए। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी इस तरह से ये वाला पार्ट। और दो कॉर्नर पर मैं जिस तरह से फ्लावर से बने हुए मोल्ड से निकाले हुए की पार्ट हैं वो लगा दूंगी। सेंटर में आप चाहें तो अपनी कोई पुरानी बैंगल्स होती है ना हमारी, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से गोल्ड डस्ट यूज करके आप इसे और अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ज्वेलरी बॉक्स रेडी है। आप इसके ऊपर बाद में लास्ट में वार्निश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।